ना 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 ना, अब मेरी बात का गलत मतलब मत लो। अब अमेरिका को देख लो। अरे भाई वो सारे सारे कह रहे ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। हाँ अरे हमारा नेता कैसा हो, राजमणि भैया जैसा हो, मान गए भैया आपको। ऐसा दांव खिलाना आपने कि सब साले हैरत में हैं कि कौन है जो इन आतंकवादियों के साथ बंटी सिंह को बाहर निकाल रहा है। अरे भैया ये दोनों भी मानने को तैयार ही नहीं कि हमारा गुट हो सकता है जो ऐसा काम करे। हम बोले बेटा मस्त रहो, जुगाड़ हो रहा है। तुम्हारे सब नेता अंडरग्राउंड है, हमारे ओवरग्राउंड है, वही किए सब। हम तो सीधा निकल कर आपके दर्शन को आ रहे हैं बस। 15-20 दिन के लिए विदेश जा रहे हैं, उसके बाद फोन कर। अरे भैया बस थैंक यू बोलने के लिए फोन किए थे। अभी सीधा गोड़ धरने हाजिर होंगे, नारियल के साथ। हां भैया प्रणाम। एक साइन यहां और एक यहां कर दीजिए। देख रहा फोन पे बात कर रहा, भागा जा रहा क्या यहां से? अजमेरी गेट से मिंटो रोड वाली सड़क तक पिकेटिंग जारी रखना। हाँ फोर्स हटनी नहीं चाहिए 3 दिन तक। ओ नमस्कार सर। क्यों भाई कैसा है? पहले से तो ठीक हूँ जनाब। ठीक है, कब ज्वाइन कर रहा है? बस परसों से ज्वाइन कर लूँगा सर। आजा दौड़ाता हूँ बहुत। हाँ फिट हूँ एकदम सर। हेलो सर। हनुमान सिंह एक काम कर, बंटी को जेल में ही मरवा दे। कैसी बात कर रहे हैं सर? कर रहे कि बच्चे मौके का फायदा उठा। जेल में मरेगा तो सीधी उंगली अपोजिशन पे उठेगी, समझ रहा है ना बात? हमारी समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है जो उसे निकलवाने का गेम खेल रहा। कल को बड़ा बवाल हो गया तो तू खत्म कर, उसे वहीं मरवा दे। बंटी को जेल में मरवाना इतना आसान नहीं है, हाई सिक्योरिटी सेल में है, मीडिया की नजर में है। अरे तो मीडिया की नजर उसे छुपा के मार दे। मीडिया तेरे से बड़ा कलाकार है क्या? जेल में उतना आसान नहीं है, वैसे छूटने के बाद आप ही के पास आएगा, फिर जो चाहे वो कर लीजिएगा। अरे यार अच्छा वो निकल रहा हो तो नजर रख उस पे। देख कहां जा रहा, और मौका मिलते मेरे पास लाओ उसे। जो हुकुम भैया। सिर पे चढ़ जा मेरे, आ जा। कैसा कैसे धर रखे थे, फोन पे बात नहीं करने दे रहे। हाँ मैं देखता हूँ मणि। अरे यार बीच में मत घुसा करो तुम। कोई कोई गलती होगी तो क्षमा करना बंटी भैया। अरे आज जाते जाते कविता नहीं सुनाएंगे? हाँ जरूर जरूर। ये कहना तो गलत होगा कि हम फिर मिलेंगे, इस दिल के जेल में आप हमेशा बंद मिलेंगे। ओके टाटा। चलो बे गाड़ी चलाना था। हाँ घुस। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मैरोली की तरफ ले सीधा चल। हेलो। हाँ मैं आगे देखना कहीं राइट आएगा। आज रात ठिकाने पहुंच गए तो मच्छी खिलाएंगे गुरु। मच्छी खाते हो ना बे? खा लेते हैं। गार्जन बने कहां से देख रहे हैं। हेलो। हाँ आगे जरा बाएं रोको बे। हाँ ठीक है रोक रहे। हाँ रोक रहे रोक रहे। हाल्ट। इतना सन्नाटा है, कहाँ है गाड़ी? और रे गुरु आना फाना पूरी, आ जाओ आ जाओ। कौन सी गाड़ी भेजे भैया? कोई है ये ना, रिमोट से चली गाड़ी बैठी है। हाँ बंटी भैया आजादी मुबारक हो। अरे हनुमंत भाई अब जल्दी अयोध्या ले चलो हमको बाहर। हनुमान भाई जरा कहीं पान मान मिले तो रोकिएगा, थोड़ा दबा ले। कहाँ लूँ, कलकत्ता लूँ, बनारस लूँ, कहाँ लूँ? ठीक है हमारी खैनी की बेचैनी का मजा ले लीजिए। कितनी दूर और जाना है?
चाहे तो हल्के हो लो, हाथ पर खोल लेना, लंबा रास्ता है। ए, वहां बरगद के नीचे नहीं, देवी चढ़ जाएगी, वहां जाओ। चल शारदा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, श्री रामचंद्र। इनकी आजादी तो यहीं तक थी, पूरा प्रोग्राम तो आपके लिए बना था बंटी भैया। यार आज रात इनको मच्छी खिलाने का वादा किए थे। राजमणि भाई से बात कराइए जरा। हाँ बोल। अरे बोलना। हाँ भैया, ये बंटी भैया जिस रास्ते से जा रहे हैं हमारी नजर है, अगर मिल जाए तो क्या करे? मिलते ही गोली दाग दे साले, मैं खत्म कर, बवाल नीचे है, मैं खत्म कर उसे। ये तो आपको पूरी तरह आजाद करना चाहते हैं, अब ऑर्डर है, लेना पड़ेगा।